जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन। मैं अनूप मिश्र हमारे आध्यात्मिक चैनल वृंदावन धाम में आप सभी प्रभु प्रेमियों का स्वागत करता हूं। अपनी इस आध्यात्मिक वृंदावन यात्रा के क्रम में आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे मंदिर में जो वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। जिन भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर ठाकुर जी यहाँ आए, वे भक्त जितने विरक्त थे उनके ठाकुर जी उतने ही चटोरे थे। ये कोई अचल विग्रह मात्र नहीं थे, अपितु साक्षात ठाकुर जी प्रकट होकर लीला करते थे। आज हम बात कर रहे हैं वृंदावन के प्रसिद्ध सप्त देवालय में से एक श्री मदन मोहन जी की। यह मंदिर स्थित है श्री वृंदावन की परिक्रमा के अंतर्गत श्री यमुना तट पर मदन मोहन घेरा क्षेत्र में। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री बज्रनाभ जी ने सर्वप्रथम श्री मदन मोहन विग्रह की स्थापना की थी। कालांतर में जब चारों ओर वृंदावन में बन ही बन हो गए, लोगों की बसावट ना के बराबर थी, तब श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कृपा पात्र श्री सनातन गोस्वामी पाद ने श्री मदन मोहन जी के विग्रह को एक बार पुनः प्रकाशित किया। इसकी कथा भी कम रोचक नहीं है। श्री सनातन गोस्वामी जी श्री वृंदावन में यमुना जी के तट पर मधुकरी वृत्ति से निवास करते थे। उनका नित्य का नियम था कि वे नित्य श्री वृंदावन से श्री गोवर्धन पैदल जाते, फिर वहाँ श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते, फिर वहाँ से पैदल मथुरा जाकर वहाँ मधुकरी करते, अर्थात ब्रजवासियों से भिक्षा लेते एवं वहाँ से पैदल वृंदावन अपनी कुटिया पर आते। एक बार श्री सनातन गोस्वामी जी मधुकरी हेतु मथुरा के श्री परशुराम चौबे जी के घर पहुँचे। श्री चौबे जी के यहाँ जो ठाकुर जी विराजित थे, वे प्रत्यक्ष रूप धारण करके सखाओं के साथ खेलते थे। उनके भुवन विमोहन रूप पर श्री सनातन गोस्वामी जी का चित्त न्योछावर हो गया। आखिर मदन मोहन जो ठहरे, उनके कुटिल कुंतल, बंक विलोचन, चंचल गतिविलास, मंद मंद मुस्कान श्री सनातन गोस्वामी जी के मन में घर कर गई। मधुकरी करके श्री सनातन गोस्वामी जी श्री वृंदावन आ गए। रात्रि को श्री सनातन जी अपनी कुटिया में सोए थे, किंतु जिनके चित्त को एक बार इस चित्त चोर ने चुरा लिया हो, फिर उसे निद्रा कहां। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनाना चदुकूल चौरम श्री राधिकाया चित्तस्य चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम भजाम। चोर जार शिखामणि जो हैं, ये केवल ब्रजवासियों का माखन ही नहीं चुराते, अपितु प्रेमा भक्ति में आवरण रूप वस्त्र को भी चुरा लेते हैं। और तो और, इन्होंने श्री राधा रानी को भी नहीं छोड़ा, उनका चित्त भी चुराए बैठे हैं। ऐसे समस्त चोरों में अग्रणी हैं ये। श्री सनातन गोस्वामी जी को नींद नहीं आ रही थी। अब ये तो ठहरे लीला बिहारी, रात्रि में शयन में भी श्री सनातन गोस्वामी जी को स्वप्न में वही ठाकुर जी दिखाई दिए और बोले, बाबा मैं तुम्हारे साथ वृंदावन चलूँगा। गोसाई जी ने कहा, जय जय, मैं ठहरा निष्किंचन साधु, मेरे अपने रहने का कोई निश्चित ठिकाना नहीं, मधुकरी वृत्ति से रहता हूँ। आपको तो ब्रजेश्वरी से यशोदा मैया भी संतुष्ट नहीं कर पाती थी, फिर मेरी क्या चले। लेकिन ठाकुर जी तो जिद करने लगे, आखिर कौतुकी जो ठहरे। दूसरे दिन श्री सनातन गोस्वामी जी पुनः उन्हीं श्री परशुराम चौबे जी के यहाँ पहुँचे और चौबे जी को समस्त वृत्तांत सुना दिया। चौबे जी तो जानते ही थे कि ठाकुर जी तो नित नई लीला करते ही रहते हैं। चौबे जी ने भी अपने ठाकुर जी सहस्र श्री सनातन गोस्वामी जी को दे दिए। ठाकुर जी श्री सनातन गोस्वामी जी के साथ वृंदावन आ गए और विग्रह रूप में परिणत हो गए। श्री सनातन गोस्वामी जी ने दो चार पत्थरों को चारों ओर खड़ा कर उसी में ठाकुर जी को पधरा दिया। इनके पास कोई व्यवस्था तो थी नहीं। गोसाई जी को मधुकरी में जो कुछ मिलता उसी का ठाकुर जी को भोग लगाते।
और वही प्रसादी स्वयं पाते। एक दिन नित्य की तरह मोटे मोटे टिककर ठाकुर जी के भोग में धरे। अब आज तो ठाकुर जी ने कुछ लीला करने की ठान ली थी, तो गोसाई जी से बोले, बाबा जिस सूखे सूखे टिक्के मेरे गले के नीचे उतरे ना आए, इनमें कछु स्वाद ना आए, थोड़ा नमक डाल दो। अब नमक कहाँ था वहाँ, तो गोसाई जी ने भी प्रेम भरा उपालंब देते हुए ठाकुर जी से बोले, हमने तो पहले ही आपसे कहा था कि हम ठहरे फक्कड़ साधु, तुम्हारी सेवा करना हमारी बस की बात नहीं। अब आज तुम नमक मांग रहे हो, कल कहोगे थोड़ा घी और होता, परसों कहोगे कुछ मीठा मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अब हम क्या नमक घी की व्यवस्था करने के लिए साधु बने? यही सब करेंगे तो भजन कब करेंगे? यदि ऐसा ही है तो अपनी व्यवस्था आप स्वयं कर लो। भगवान की ही इच्छा से उसी समय मुल्तान का श्री कृष्णदास कपूर नामक व्यवसायी बड़ी बड़ी नौकाओं में मूल्यवान द्रव्य लेकर व्यवसाय के लिए कहीं जा रहा था, किंतु श्री सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी के सामने ही उसकी नाव घाट पर फंस गई। लाख प्रयत्न करने पर भी नाव नहीं निकली। व्यवसायी ने सामने अपूर्व सुंदर श्री मदन मोहन जी का विग्रह देखा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, कृपा करके मेरी नाव निकलवा दो। यदि मेरी नाव निकल गई तो व्यवसाय से जो कुछ लाभ होगा उसके द्वारा आपका भव्य मंदिर बनवाऊंगा और भोगराग आदि सेवा का भी उचित प्रबंध करूंगा। कुछ ही देर में भगवान की कृपा से नाव निकल गई। व्यवसायी श्री कृष्णदास कपूर को इस बार व्यवसाय में पहले की अपेक्षा 4 गुना अधिक लाभ हुआ। वह धन लेकर श्री सनातन गोस्वामी जी की सेवा में आया और उनकी आज्ञा से भव्य मंदिर बनवाया। श्री सनातन गोस्वामी जी के अप्रकट लीला में प्रवेश करने के बाद सन 1670 में औरंगजेब ने इस मंदिर के शिखर आदि तोड़ दिए। उसके पहले ही श्री मदन मोहन जी के विग्रह को जयपुर भेज दिया गया था और वहाँ से वे करौली चले गए। वर्तमान में ठाकुर श्री मदन मोहन जी करौली राजस्थान में ही विराजित हैं। सन 1748 में श्री मदन मोहन जी का पृथ्वी विग्रह यहाँ प्रतिष्ठित किया गया। श्री मदन मोहन जी का प्राचीन विग्रह था, उनके साथ श्री राधा रानी विराजित नहीं थी, और बिना राधा रानी के ठाकुर जी का मन कहाँ लगता है। तो श्री जगन्नाथपुरी के राजा प्रताप रुद्र के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी ने जब सुना कि मदन मोहन जी का प्राकट्य हुआ है, तो उन्होंने श्री जगन्नाथपुरी से श्री राधा रानी के 2 विग्रह श्री वृंदावन भेजे। श्री मदन मोहन जी के पुजारी जी को स्वप्न में मदन मोहन जी ने आदेश दिया कि श्री जगन्नाथपुरी से जो 2 विग्रह आए हैं उनमें से बड़ी वाली श्री ललिता जी हैं और छोटी वाली श्री राधिका रानी हैं। तुम छोटी वाली श्री राधिका जी को मेरे वाम भाग में और बड़ी वाली ललिता जी को मेरे दक्षिण भाग में विराजित करो। ऐसा ही किया गया। पास में ही नए मंदिर में श्री मदन मोहन नाम से दूसरे विग्रह को, जिनके दक्षिण में श्री ललिता जी और वाम भाग में श्री राधा रानी और शालिग्राम शिला विराजित हैं। आप लोग भी यहाँ आएं और इन कौतुक बिहारी श्री मदन मोहन जी का दर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन। यदि आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल वृंदावन धाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, और यदि आपके पास कोई उपयोगी सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। हम आपके सुझाव को प्राप्त करके अपने आप को अनुग्रहित अनुभव करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन।